दिस इज चिनियोट, पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर जो मशहूर है दो बातों की वजह से। एक, यहाँ का फर्नीचर पूरे पाकिस्तान में माना जाता है, और दूसरा, यहाँ का मटन कुन्ना। मटन कुन्ना मटके में तैयार होने वाला एक ट्रेडिशनल फूड है और ये चिनियोटी कुन्ने के नाम से मशहूर है। लेकिन मजे की बात ये भी है कि अब चिनियोट में असल कुन्ना मिलता ही नहीं, इसीलिए आज आपको चिनियोट में मिलने वाली ये चिनियोटी बिरयानी खिलाएंगे और साथ में यहाँ की फेमस मिठाई भी। और फिर आपको लेके चलेंगे एक मरतबा फिर से फैसलाबाद, और सर्दी के मौसम का मजा लेने के लिए देसी मुर्ग का शोरबे वाला सालन खाएंगे। शुरुआत करते हैं चिनियोट से। लोकेशन जो है बड़ी थोड़ी सी टेक्निकल भी हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा चला इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, लेकिन इनके अगर डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन नहीं मिलती है तो इसकी लोकेशन यह कि आपने कचहरी से आना है मेन फर्नीचर मार्केट की तरफ। अंदर आएंगे तो आपके राइट साइड पे पार्क आएगा, पार्क के सामने आएगी मस्जिद, मस्जिद से आपने राइट टर्न लेना है पार्क के साथ साथ। जैसे पार्क खत्म होगा तो आपके लेफ्ट साइड पे आएगा ये मरहबा बिरयानी एंड पकवान कुन्ना हाउस। इनके पास जो कुन्ना है ना वो बीफ का कुन्ना है, वो हम नहीं खाएंगे, वो ट्राई नहीं करेंगे चलो, क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लग रहा, वो कोई जुगाड़ टाइप है। क्योंकि एक जगह की चीज़ जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है तो लोग उसके अंदर वेरिएशन डालना शुरू कर देते हैं। जैसे कि चने स्टार्ट हुए थे लाहौर में तो फिर वो मटन चने आए, फिर मुर्ग चने आए, फिर खोए वाले चने भी आ गए, तो इस तरह यहाँ पे कुन्ना चलता है। तो असल चीज़ है वो मटन कुन्ना ही है, लेकिन बीफ कुन्ना, चिकन कुन्ना कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम वो ट्राई नहीं करेंगे, हम मटन कुन्ना ही ट्राई करेंगे। वो कोई और पॉइंट यहाँ पे हमें मिला है वहाँ पे जाके। फिलहाल लोकेशन ये है कि भाई ये लोकेशन है, अंदर जाना है। ये मस्जिद जो सामने कॉर्नर पर मस्जिद है, ये मस्जिद है, ये रोड सामने से आएगा यहाँ पर, और ये मस्जिद है, ये मस्जिद से आप राइट होंगे ये पार्क के साथ साथ। जैसे आप आगे आएंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट है मरहबा चिकन बिरयानी एंड कुन्ना हाउस। इनका सेटअप ये है कि यहाँ पे जो है इनके पास बिरयानी चल रही है, तो यहाँ पे कबाब वगैरह बनाए हुए इन्होंने, पुलाव बीफ पुलाव भी इनके पास है, बीफ कुन्ना भी इधर रखा हुआ है, और इस साइड पे जो है इनके बर्गर शर्गर चल रहे हैं, शवारमे वगैरह बनते हैं इनके पास। अंदर जो है बैठने की इनके पास जगह है, और ये एक अहम बात कुछ यहाँ पे बातें लिखी हुई हैं, पानी थोड़ा सा साइड से हो जाती बड़ी मेहरबानी, साड़ी फोटो नहीं आ सकती चंगी। ये जो है ना ये इन कुछ बातें लिखी हुई हैं, ये आप देखें। आप तो इसकी खुशबू भी बड़ी मुख्तलिफ है। हाँ जी। अच्छा ये आप बताएं इसके बारे में थोड़ा सा, क्या ये चिनियोटी बिरयानी है, क्या चीज़ ये? मैंने ये बोला है ये ना इसमें बिरयानी में मसाला तेज़ भी हो जाता है, दरमियाना भी हो जाता है, लाइट भी हो जाता है। आपकी बिरयानी में? हाँ जी। कैसे तेज कम कैसे करते हैं? इसमें ऊपर चावल होते हैं मसलन, नीचे मसाले बिरयानी तय वाली होती है। अच्छा, पीस दरमियान में लगाते ना, ऊपर वाइट चावल डाल देते हैं। सही है, सही है। फिर जैसे कस्टमर की डिमांड हो या मसाला तेज चाहिए, हल्का चाहिए। अच्छा, ये जो बिरयानी मिलती है चिनियोट में सिर्फ आपके पास है और लोगों को? नहीं, और भी है, मगर हर बंदे का अपना अपना टेस्ट है। सही है। आपकी दुकान कितनी? ये तकरीबन 9-10 साल पुरानी। 9-10 साल पुरानी, सही होगी। कितने की प्लेट है ये? ये 350 की फुल है, और 250 की, और हाफ 250। हाफ 250, ठीक है। निकाल के दिखाएं जरा इसमें थोड़े भी। सही हो गया, सही हो गया। टाइमिंग वगैरह क्या, कितने बजे खोलते हैं आप लोग? वैसे तो 6 बजे खुल जाती है। हाँ जी। सुबह बिरयानी मिलती है आप? नहीं, 6 बजे खुलती है, 9-9 बिरयानी मिल जाती है। तो 6 बजे से लेकिन 9 बजे क्या करते हैं? बिरयानी बनाने वाला आता है। अच्छा, सही है, सही है। 3 सादा। सही है भाई, बोटियां सीधी कर रहे हैं, तब तक बोटियां सीधी करते हैं, बाकी हम इनसे। और क्या होता है आपके पास? कुन्ना होता है, बीफ। बीफ में कुन्ना है जी। अच्छा। और बीफ पुलाव होता है। बीफ पुलाव भी होता है। वो किधर है? उधर है, उधर है। चलो वो उधर देखते हैं। अच्छा जी, ये है जी बीफ पुलाव जी। ठीक हो गया। ये चावल कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? चावल, चावल था नहीं, आइडिया नहीं, वो बनाने वाले को पता होगा। हां जी, वो पता था। ठीक हो गया भैया, तो आप लाना और रख लेना। अच्छा, ये प्लेट प्लेट बनी हुई है जी। एक चिकन पीस होता है 350 में, और बस यही होता है। अरे शामी लेनी है, उस पे 40 रुपया लगा है। शामी लाने से 40 की है? हाँ जी, शामी लाने से 40 जी। ये वापस ना थोड़ा लाभ कर दे। ठीक हो गया, जमा हो जाएगी। अच्छा, ये तो बड़ा पतला सा है जी। शोरबा, शोरबा ज़्यादा पतला ज़्यादा है। शोरबा ही तो खाने वाला होता है। अच्छा, थोड़ी गाढ़ी नहीं होती ग्रेवी उसकी कुन्ने की? वो दूसरी तरह बनता है, वो सारी रात बनाना पड़ता है। अच्छा, ये ये गैस पे बनता है। कितनी जल्दी बना हुआ है ये? 2-3 दिन में बन जाता है। 2-3 घंटे में तैयार हो जाता है? तैयार हो जाता है। इसमें मछलियाँ इस्तेमाल होती है? नहीं, ये नहीं, ये कुछ और चीज़ बनी है। सही है, सही है। अच्छा यार, ये हमारे सामने ना बिरयानी आ गई है, हमने इनको बोला फुल स्पाइसी, पता नहीं फुल स्पाइसी है या नहीं, लेकिन लग रही है कि स्पाइसी ही होगी। इसके जो दाने हैं ना वो ये नहीं दे गए, और ये देखो इसमें दाने, इसमें अभी मॉइस्चर मौजूद है थोड़ी सी। ये लेटी लेटी बिरयानी है, खड़े खड़े चावल नहीं है इसमें। इसको पहले सिंपल पहले ट्राई कर लेते हैं, फिर बाद में इसका कबाब और चिकन चिकन मिला के चेक कर लेंगे। सुन चला, इसकी पहले बैठ लेते हैं। बिस्मिल्लाह, बरकतुल्लाह।
नॉर्मल से स्पाइसी से बहुत तेज नहीं है, लेकिन ना ये पता है किस तरह के चावल हैं, ये डिफरेंट है। कराची शायद बिरयानी नहीं है, ये और तरह की, क्योंकि बिरयानी की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, बिरयानी के अंदर भी बहुत सारी, पता नहीं कितनी 100 टाइप्स हैं उसकी। ये इट्स वन ऑफ देम, ये मसाले वाले चावल हैं, मसाले टाइप के चावल हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि चावल के दाने में फ्लेवर है, चावल का एक एक दाना है ना, इसके अंदर भी फ्लेवर आ रहा है, ऐसा नहीं कि चावल में फ्लेवर नहीं है, मसाले का फ्लेवर है थोड़े से, लाइक आप कह लो कि मसाले वाले चावल हैं, लेकिन चूँकि इसका नाम बिरयानी है, इसको बनाया इस तरह क्या है कि बिरयानी है, इसको बिरयानी कहेंगे, लेकिन ये बिरयानी, इसको चिनियोटी बिरयानी आप कह सकते हैं, इसको रेगुलर कन्वेंशनल बिरयानी नहीं है ये, लेकिन ओवरऑल चीज़ अच्छी है। ज़्यादा मज़े की बात यह है कि ये काली मिर्च वाले चावल हैं और इसमें काली मिर्चों का फ्लेवर ज़्यादा है, जिस तरह लाहौर में काली मिर्च वाली बिरयानी मिलती नहीं, आप कह लेंगे उससे मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन चीज़ अच्छी है हमारे साथ। रायता बहुत मज़े का यार, इसका घाड़ा भी कमाल का है, इसके अंदर जो मसाले ने इस्तेमाल किए हैं, इसमें जो भी चीज़ें इन्होंने डाली हैं, इसके अंदर जीरा और मिर्चें और जो गर्म मसाला जो भी डाला हुआ है, बहुत ज़्यादा यार, उसकी एक ऑप्शन में बन जाते हैं। यहाँ साथ में हम पूरी सारी चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी ये कबाब, तो सॉरी चिकन का पीस है, ये आ गया चिकन का पीस, यहाँ से थोड़ा सा कबाब, ये आ गया कबाब, और ये आ गया ऐसी करी, ये दोनों चीज़ें जो इसमें हैं वो यहाँ आ गई, और इसके ऊपर हम रखेंगे थोड़ा सा, इसके ऊपर रखेंगे थोड़ा सा सलाद, थोड़ा सा प्याज आ गया, थोड़ा सा सलाद आ गया, और इसके ऊपर आएगा ये रायता, यार रायता बहुत अल्टीमेट है भाई। वैसे इस बिरयानी को भी रायते की ज़रूरत नहीं, कहते बिरयानी बहुत अच्छी होती है जिसमें आपको ना रायते की ज़रूरत हो ना सलाद की ज़रूरत हो, इसको भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ब्लेंड ऐड करने के लिए मैंने इसको किया, एक ऑप्टिमम बाइट बनाना चाह रहा हूँ, दिस इज ऑप्टिमम बाइट ऑफ मरहबा चिकन बिरयानी। यार हर चीज़ का ना अलग अलग फ्लेवर है, कबाब का अलग फ्लेवर है क्योंकि कबाब है दाल वाला, ये दाल वाला शामी है, पूरा पेस्ट बन जाएगा मुँह में जाके। चिकन का अलग फ्लेवर है, चिकन क्योंकि बना बिरयानी के अंदर ही हुआ है, लेकिन चिकन का फ्लेवर अलग है, उसकी मैरिनेशन डिफरेंट है, और बिरयानी के चावलों का अलग फ्लेवर है। फिर भी सबसे मज़ेदार जो चीज़ है ना वो ये रायता भाई, बिरयानी भी बहुत कमाल और ये रायता भी बहुत कमाल। आप सिंपल यहाँ पर अगर आपको अगर कभी किसी काम से आप यहाँ पर आते, क्योंकि चिनियोट इज़ द लार्जेस्ट फर्नीचर मार्केट इन द पाकिस्तान, बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ का फर्नीचर है, ख़ासतौर पर जो जो दहेज वगैरह में दिया जाता है फर्नीचर, अगर लोग अपनी बेटियों को देते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम चिनियोटी फर्नीचर दें, तो ये लकड़ी का होता है, नॉर्मली प्लाई चलती है, लेकिन यहाँ पे काम आपको लकड़ी का मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा महंगा भी होता है, फिर लोग पूरे पाकिस्तान से बनवाते हैं यहाँ फर्नीचर, तो जब भी यहाँ पर आते हैं फिर देखने भी आते हैं, तो जब भी आप यहाँ पर आएंगे फर्नीचर मार्केट में आपको भूख कभी ना कभी लगेगी, और अगर आपको भूख लगे तो आप यहाँ पर आके बिरयानी खा सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप सिंपल बिरयानी से भी काम आपका चल जाएगा तो आपका चल जाएगा, तो आपको क्या कुछ पसंद चिकन कबाब वगैरह मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल चावलों के अंदर भी इतना अच्छा फ्लेवर है कि आपका इससे भी मज़ा आएगा इंशाल्लाह, और आपका इससे भी पेट भर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, ठीक ठाक? अच्छा आपकी ये जो शॉप है कितनी पुरानी है? ये शॉप तो हमारी वैसे जो मोलिस्ती मिठाई शॉप है ना, तकरीबन 12 साल हो गए। अच्छा, और ये है इधर चिनियोट की? जी चिनियोट की है। ठीक है, और क्या क्या होता है आपके पास? हमारे पास मशहूर आइटम में ये खुश मिठाई होती है। खुश मिठाई? अच्छा, ये वो है पतीसी गंडेरी पतीस और नमकीन लड्डू, ये हमारे स्पेशल नमकीन लड्डू। अच्छा, ये नमकीन लड्डू है, ये लंबा वाला लड्डू है? ये सलेंगनी कुछ बोलते हैं नमकीन वाली। अच्छा, ये हमारी फेमस। और ये क्या चीज़ है? ये समर बर्फी है, मशहूर है हमारी। अच्छा, बर्फी है ये भी? ये भी बर्फी है? ये गंडेरी है। ये गंडेरी है, इसमें होती है क्या चीज़ मिठाई, क्या असल में ये? ये बनती है उससे मैदे से बनती है, बालूशाही टाइप की है। अच्छा अच्छा, सही। और बाकी आपके पास क्या क्या है ये? अच्छा, हलवा मशहूर है, ड्राई फ्रूट वाला। ठीक है, ये हलवा है जी? ये काजू बादाम अखरोट वाला हलवा। ठीक है, ठीक है। और ये क्या, ये कौन सा हलवा? ये मन पसंद बोलते हैं इसको। मन पसंद है ये? सही है। ये थोड़ा इसका कवर उठा के दिखा ना अभी। अच्छा, माशाल्लाह, सही है। ठीक है, ये वही है ना जो दूध को काट काट के? जी, दूध के लड्डू हमारे मशहूर है। चीज़ हमारी खुश्क लड्डू, बालूशाही टाइप लड्डू है? नहीं नहीं, ये होते हैं बेसन वाले लड्डू। बेसन वाला लड्डू है, ठीक है, पुराने लड्डू होते हैं उसके। हाँ, सही है। और ये? ये मोतीचूर है। ये मोतीचूर वाला, ये भी बेसन वाला। जी जी, एक हमारा सादा हलवा मशहूर होता है वो वाला। ये सोना हलवा जी? ये जो है इनका ड्राई फ्रूट वाला हलवा है, और ये जो है इनका मनपसंद है। पहले इनका मनपसंद ट्राई कर लें थोड़ा।
ये मैंने इसलिए, वैसे हम यहाँ पे जो ट्राई करने आए थे ना, वो आए थे कि गंडेरी खाने के लिए, ये नबील भाई के कहने पे, वो पीछे रखी हुई है, उसको बाद में ट्राई करेंगे। लेकिन दिखने में चूँकि मुझे ये ज़्यादा अपीलिंग लग रहा था, मैंने कहा ये, क्योंकि आप जब भी खाना खाते हैं ना, पहले आप आँखों से खाना खाते हैं, जब आपको आँखों को अच्छा लगता है तो फिर आप उसको खरीद लेके आते हैं, फिर आप उसको सूंघते हैं, फिर उसके बाद आप उसे खाना खाते हैं। तो जब तक कोई चीज़ आँख को अच्छी ना लगे, आपके पेट को कभी अच्छी नहीं लगेगी। ये फिलॉसफी है, ये साकिब मोबीन साहब की, याद रखें। यार ये चुई है थोड़ा सा, लेकिन जैसे जैसे वो चबा रहा हूँ उसका फ्लेवर बाहर आ रहा है। और इसमें सबसे मज़े की जो चीज़ है ना, ये जो नीचे से जला हुआ है ना, ये ओए ओए ओए, असल मज़ा इस जले हुए का। यहाँ से ऊपर से ये और तरह का कलर है, ये इसकी बेस है, यहाँ से कलर डिफरेंट है। ये हल्का सा ना, हल्का सा सख्त भी है और ना हल्का सा जला हुआ फ्लेवर आ रहा है, दूध जैसे जल जाता ना वो हल्का सा फ्लेवर है, लेकिन वो बहुत कमाल भाई वो है। ये खाने का मेरा दिल नहीं लगा सोनल भाई खाने का, लेकिन ट्राई कर लेते हैं। ये इनका सोनल भाई, जब मैं छोटा होता था तो बेकरी से ना इतना सा टिक्की मिलती थी सोनल भाई की, 5 रुपए की अपनी, उस टाइम 2 रुपए की मिलती थी, वो बल्कि डिब्बे में भी आती थी। वो जो सोनल भाई था ना, वो ये वाला फ्लेवर है। ये जो मुल्तान वाला सोनल भाई या उन बाकी जो झंका सोनल भाई, उनसे डिफरेंट है, लेकिन मनपसंद बहुत अलग है। आया मैं इसके लिए था, लेकिन ये बालूशाही है साइड रोड। ये जो बर्फी है ना, मैं ये ट्राई करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा मीठी है, लेकिन है मज़ेदार भाई। इनका जो मनपसंद है ना, बहुत कमाल है भाई। अरे ये इनकी गंडेरी है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम आए थे। ये बालूशाही टाइप चीज़ है ये। अच्छी बालूशाही है, मतलब सिंपल बालूशाही थे एक, आप कह रहे थे बालूशाही के अंदर सबसे अच्छी कैटेगरी की बालूशाही जो मैंने अभी तक खाई है वो ये है। लेकिन ये बहुत कम चलती है चीज़ें, बर्फ़ी ज़्यादा चलती है और वो हलवे ज़्यादा चलते हैं। मनपसंद इनका भाई बहुत आला। अच्छा यार ये वैसे तो मैं जो 7 लोग आए थे वही खा गए सारा कुछ, मेरे को उन्होंने छोड़ा कोई नहीं है। ये है पतीसा इनका, ये है ड्राई, इनकी ड्राई स्वीट ज़्यादा चलती है, मैं चेक कर रहा हूँ। पतीसा खाने वालों को ये पसंद आएगा, ज़्यादातर लोग मुझे पतीसा पसंद नहीं है, लेकिन जो लोग पतीसा खाते हैं ना उनको ये बहुत कमाल का लगेगा। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है, शुक्र है। आपका नाम क्या जी? सुफियान, अबू सुफियान, माशाल्लाह। अच्छा सुफियान, अबू सुफियान भाई, ये आपका जो देखने में नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि अलहरम मिल्क मार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमें ये लेके आए हैं ये भाई, क्या के लाए हैं जी आपको, है देसी मुर्गा जी। ये क्या स्टोरी है सर? एक्चुअली था मेरा मिल्क मार्ट जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा आपने स्टार्ट किया था, आपने ही स्टार्ट किया था जी? मैंने, माशाल्लाह। तो 6 years ago ये मिल्क मार्ट था। अच्छा, तो फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया है, इसको लेके आए हम ये रेस्टोरेंट वाली फील्ड में ना। अच्छा, तो अलहरम मिल्क मार्ट एंड रेस्टोरेंट है। अच्छा, दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। आपने अभी हमें एक चाय भी लाई है जी, जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन वो चाय बहुत मज़े की थी सर, बहुत वाकई बहुत मज़े की चाय, बहुत कम चाय इस तरह की मिलती है। लोग कहते हैं चाय कहीं से भी, लेकिन चाय हर जगह पीने वाली स्पेशलिटी थी हमारी मिल्क मार्ट में चाय। नहीं, वो आपकी मोहब्बत भी मुझे थोड़ी नज़र आई है, आपने खलूस से पिलाई चाय, वो आपका बहुत शुक्रिया जी। और अच्छा मुझे आप ये बताएं आपका रेस्टोरेंट में क्या क्या है सर? रेस्टोरेंट का मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा मेन्यू बना है पूरा, जिसमें एक स्टूडेंट पैकेज लेके ना हमने, अच्छा हमारे करीबी थे ज़्यादातर स्टूडेंट बच्चे, हॉस्टलाइट हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो हमने स्टार्ट किया दाल सब्जी से के शुरू, अच्छा, करते हैं। बजट में अगर कोई पराठो वाला भी आएगा तो उसको कढ़ाई मटन में, बीफ में, चिकन में, अच्छा, और बारबेक्यू की हर वैरायटी मिलेगी। सही है, रिसेंटली हमने एक था, यानी पैदल वाले से लेके पराठो वाले तक के बाद आपने सब कुछ माशाल्लाह मिल रहा है। अब ये देसी मुर्गे की कहानी है, देसी मुर्गा क्या सीन है सर? ये हमने रिसेंटली स्टार्ट किया है, एक मैंने नोट किया था कि हमें कमी है यहाँ पे ना हमारे टाउन में कि इस तरह के प्रोडक्ट, लोग बहुत सारे पूछने आते हैं। देखिए अच्छा, यहाँ पे आपके फैसलाबाद मैंने वैसे देखा आपके देसी मुर्गा बहुत ज़्यादा सेटअप लगे हुए हैं ज़मीन के ऊपर, सही काफ़ी लोग बेच रहे हैं ज़मीन पे। वो एक भवाना बाज़ार के बाहर था ना, वो हाँ उसके बाहर भी एक बंदा, वो बिल्ला देसी मुर्गा वाला वो भी है, उसके अलावा भी एक जगह रात देखा मैंने, काफ़ी सारे हैं। तो आपके ये काफ़ी ट्रेंड है यहाँ देसी मुर्गा, वैसे भी सर्दी आ गई है। बिल्कुल है सर, और ये सर्दी की बड़ी अहम प्रोडक्ट है। बिल्कुल ठीक है, तो आप अच्छा उसी टाइम बनाते हैं या बना के रखा होता है सर? ये हम थोड़ा थोड़ा करके अभी स्टार्ट है ना, तो रिसेंटली थोड़ा सा बनाते हैं,
दिन में 3 दफ़ा बनता है ये। 3 दफ़ा तैयार करते हैं इसको, हम दिन को 12 बजे स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो है वो दिन को 12 बजे बनता है, उसके बाद 4 बजे दोबारा और शाम को 7 बजे दोबारा। तो ये कितने कितनी क्वांटिटी में बनाता है? फिलर रिसेंटली थोड़ा शुरू किया है, 2 KG होता है। 2 किलो? हाँ जी। और 2 किलो खत्म हो गया फिर अगला बनाते हैं। सही है। और होता शोरबे वाला सिस्टम नहीं है कि देखते हैं वो, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में बनाते। प्रेशर में प्रेशर पहले देना पड़ता है, प्रेशर करके गला लेते हैं उसको, फिर शोरबे की यखनी वगैरह उसकी आप बनाते हैं। ठीक है। तो कितने का प्याला मिलता है? 400 सर। रिसेंटली हमने इसका स्टार्ट सिंगल पीस रखा है। हाँ जी बिल्कुल, सिंगल पीस। सिंगल पीस, और वो सिंगल पीस में एक लेग होगी या पूरी थाई होगी? सर ये ऐसे होता है कि पूरा पीस है ना मुर्गे का, उसके हमने 8 पीसेस 8 पीस किए हैं। सही है, मैं समझ गया। ठीक हो गया, थाई के 2 पीस होंगे। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो ये 400 का मिलता है। आप कितने बजे खुलते हैं? सर दिन को 12 बजे हमारी ओपनिंग होती है, रात 1 बजे तक हम। और दूध अगर चाहिए तो सुबह मिल जाता है? जी दूध सुबह 5:30 5:30 बजे सुबह अवेलेबल होता है। सही हो गया। तो आपका अपना काम है, पैसे वगैरह अपनी है सारी? चलें, बहुत शुक्रिया भाई, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और इंशाल्लाह भी आपका देसी मुर्गा ट्राई करें। अच्छा यार, इसकी लोकेशन मैं आपको समझा दूँ। ये बिल्कुल सामने जो है ना, ये आपको जो नज़र नहीं आ रहा सामने, ये डी ग्राउंड है एक्चुअली। डी ग्राउंड के बिल्कुल साथ सिटी मेगा मार्ट वाली गली के अंदर आप आएंगे तो पूरी फूड स्ट्रीट बनी हुई है यहाँ पे। ये गोला शोला भी है शायद, और यहाँ पे और भी रेस्टोरेंट्स हैं। और यहाँ पे आपके राइट साइड पे ये है पॉइंट, ये अल हरम मिल्क, ये लिखा हुआ है अल हरम मिल्क मार्ट, वो सामने भी लिखा हुआ है। और ये कढ़ाई बन रही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये हाल ठीक ठाक हो? परेशान ही हो गए तुझे। क्या बना रहे हैं? बीफ कढ़ाई बना रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बोनलेस बीफ है, बोनलेस बीफ कढ़ाई है, और बहुत मजे की स्पेशल है। मैं समझ गया, ये दही आ गया, अब क्रीम भी आ गई। जी जी। ओए होए होए, यानी कि फुल कोलेस्ट्रॉल प्रोग्राम। ये काली मिर्च आ गई। सरकार जिस तरह तुम बना रहे हो ना, मेरा तो कैमरा छुट जाना। की नाम है तुम्हारा? जाहद भाई, कितों हो तुम? हासिलपुर का। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸਲਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 'ਚ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਪਣੇ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੇ। ਚਲੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਬੀਫ ਕਢਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਕੜ 'ਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਾ ਹੋ ਅਭੀ ਆਪਣੇ? ਇਹ 8 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ? ਇਹ 4 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ? ਅਭੀ ਬਣਾਇਆ? ठीक हो गया, अभी बन रहा है ये? ठीक है, यानी आपने इसको प्रेशर वगैरह लगा? यार एक आधी बोटी उठा कर दिखाते हो ज़रा। सही हो गया, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, बेहतरीन हो गया। सही है माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि जो आप देसी मुर्गा इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सा? ये वाकई देसी है या गोल्डन है? सर बिल्कुल ओरिजिनल। एक्चुअली हमारी एक अपनी शॉप है मदीना में, मुर्गा शॉप के नाम से, ये साथ ही है हमारे। अच्छा, तो वहाँ पर देसी मुर्गा, गांव से आते हैं हमारे पास मुर्गे वहाँ पे ना, ओरिजिनल देसी। हाँ, कज़न है वो। और है पठा? हाँ जी, यानी कि मेल होते हैं, मेल होते हैं, फीमेल नहीं, मेल, फीमेल नहीं। कुकड़ी नहीं है? नहीं, मुर्गी नहीं। अनबांगा तो नहीं है ये? जी, अनबांगा चूचा तो नहीं होता ये? नहीं, नहीं, वो जो नहीं। पहली बांग देता है उसको वाट देता है। सर इसीलिए हमने हर चीज़ को लाइव रखा है कि अगर किसी को कुछ शक हो तो आगे चेक भी कर सकते हैं। सही हो। अच्छा यार, हमने जो है ना ऑर्डर किया, यहाँ पे हमारे सामने है ये बीफ कढ़ाई। मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, ठहरा। मुझे नवील भाई ने बताया कि इनकी जो बीफ कढ़ाई है बड़ी स्पेशल है। एक तो ये बीफ कढ़ाई है, दूसरी जो इनकी चीज़ है ना वो देसी मुर्गा है, इसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। वो ये है देसी कुकड़ जी हमारे सामने जो है ना, यहाँ पे एक ये पीस है, ये बाजू है, और दूसरा पीस जो है थाई का लग रहा है नीचे, वो मैं उठा नहीं सकता अभी। मैं अभी इसको ट्राई कर लेते हैं, पहले चेक करते हैं इनकी बीफ कढ़ाई, उसके बाद इनका चेक करेंगे देसी कुकड़। ये हैं पराठे हमारे पास, तंदूरी पराठे हैं, और ये ऑयल इस पर उन्होंने लगाया माशाल्लाह से। इसको चेक करते हैं, बिस्मिल्लाह। यार इसमें जो अच्छी बात मुझे लग रही है ना कढ़ाई के अंदर, वो ये है कि जो टमाटर साबुत रखा है ना यार, ये बड़ा मज़े का लगता है। तो ये सिंपल सी एक बोटी ये, और थोड़ी सी इसमें ग्रेवी लगाएंगे साथ। अच्छा इसमें ना इन्होंने मक्खन शायद डाला या नहीं डाला, मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे सामने इन्होंने इसके अंदर दही और क्रीम लाजमी डाली है, और क्रीम की वजह से ना फ्लेवर थोड़ा सा, ये जो ऑयल आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर, सारा क्रीम की वजह से। इसको ये देखो, सारा जो गिर रहा है ये सारा क्रीम की वजह से। इसको ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। यार इसमें ना ज़्यादा फ्लेवर जो आ रहा है ना, वो आ रहा है क्रीम का ही आ रहा है, और क्रीम बड़ा रिच सा फ्लेवर आ रहा है इसका, लेकिन वो क्रीमी फ्लेवर जो आ रहा है इसका, क्रीम की वजह से ही है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्होंने इसमें सफ़ेद जीरा, सूखा धनिया और काली मिर्च का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से फ्लेवर थोड़ा चेंज है। एक चीज़ मिलती है हुजूरे वाला के नाम से, हुजूरे वाला एक हांडी है जो कि
लाहौर में एक रेस्टोरेंट में दो रेस्टोरेंट में मिलती थी, अब एक पे मिलती है क्योंकि दूसरा बंद हो चुका हुआ है। उसमें टोटल तीन इंग्रेडिएंट डलते हैं, सूखा धनिया पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च और थोड़ा सा उसको फ्राई करते हैं प्याज के साथ और फिर उसमें हल्की सी फ्राई करते हैं हरी मिर्च, और इन तीन चार मसालों तक वो बनती थी। इसमें वो फ्लेवर हल्का कम हो जाए कि ग्रेवी में आ रहा है, मैं ग्रेवी दोबारा चेक करता हूँ इसकी थोड़ी सी, क्योंकि इसकी ग्रेवी में मुझे वो सेम फ्लेवर आ रहा है। बीफ ओवरऑल ठीक है, अभी इसकी छोटी छोटी बोटियाँ की हुई हैं उन्होंने, लेकिन मुझे फ्लेवर है मैं वो दोबारा से चेक करना चाह रहा हूँ। ऑलमोस्ट वही फ्लेवर है, इसलिए जो है ना भाई ये कढ़ाई बहुत फेट है, लेकिन इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है क्योंकि क्रीम में बना हुआ है, ये आपने ख्याल रखना चीज़ का, आप तो ट्राई कर सकते हैं। अभी जो हेल्दी चीज़ है हमारे पास देसी मुर्गा, क्योंकि आगे सर्दी आ रही है, सर्दी का सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो देसी मुर्गे का शोरबा ऐसी चीज़ है आप वैसे भी पी सकते हैं, जैसे उसको ट्राई करते हैं। ये मेरा थाई का पीस है, मुझे ऐसा लग रहा था, ओ यस, इसी को ट्राई करते हैं। यहाँ से थोड़ी सी लगी बोटी इसकी, चल्ला सी उन्हें चल्ला सी, बड़ा सिंपल शोरबा ट्राई कर लेते हैं भाई, बाद में उठाते हैं बोटी। ये शोरबा यार, शोरबा बहुत लाइट है, इसमें ना ऑयल बहुत ज़्यादा, उसमें फ्लेवर नहीं आ रहा, और तंदूरी पराठे का फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं पहले मुर्गी का फ्लेवर चेक कर लूँ यार, मैं तेरा टूटना भी नहीं रहा मैं, चम्मच चम्मच लो जी, ये थाई का पीस, इसको हम डिप करेंगे शोरबे में। यार ये मुर्गी बहुत कमाल की है, मेरा जो मुर्गा बना हुआ ना गोश्त बहुत कमाल है यार इसका। अरे दूसरी मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं शोरबे का फ्लेवर चेक करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर ना ऑयल बहुत ज़्यादा है, मैं ऑयल साइड पे करके तो यखनी चेक करना चाह रहा हूँ, यखनी क्या बनी हुई है। ये और बहुत आला यार, मिर्चें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, मसाले हल्के से तेज़ हैं, लेकिन वो यखनी वाले जो फील है ना वो थोड़ी सी कम है इसके अंदर, यखनी कम है सालन ज़्यादा है। मेरे हिसाब से देसी मुर्गा जो है ना ऐसा होना चाहिए, अगर आप देसी मुर्गे का शोरबा, हर किसी की अपनी अपनी चॉइसेस होती हैं, कुछ जगहों पे आपको ऐसा भी मिलेगा कि आपको देसी मुर्गे का सालन मिलेगा, कुछ जगहों पे आपको देसी मुर्गे का शोरबा मिलेगा। ये जो है ये देसी मुर्गे का सालन है, इसको आप नान के साथ खाएंगे आपको ज़्यादा मज़ा आएगा तंदूरी रोटी की बजाय, और अगर इसमें मिर्चें थोड़ी सी कम कर दें, ऑयल थोड़ा सा कम कर दें तो प्रॉपर यखनी बन जाएगी ये, तो इसलिए ऐसे ना मतलब बहुत बैलेंस चीज़ है, मतलब अच्छा लगा मुझे। लेकिन अगर इसमें मसाले थोड़े से कम होते, यखनी ज़्यादा होती, ऑयल कम होता तो ज़्यादा मज़े का होता ये, लेकिन चूंकि ये भी मज़े का इसलिए इसके बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि मज़े का नहीं है, कि सालन की तरफ ज़्यादा है यखनी की तरफ कम है, लेकिन चीज़ बहुत कमाल की है। ओके जी, ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। आज हमारा चिनियोट का टूर था, चिनियोट में हमने ट्राई किया कि हमें वहाँ पर कुन्ना मिल जाए, लेकिन वहाँ पर हमें कुन्ना मिल नहीं सका क्योंकि अच्छा वहाँ पर बनाने वाला कोई है नहीं, अच्छे बनाने वाले जितने भी कुन्ने के हैं वो सारे आ चुके हैं फैसलाबाद में। फैसलाबाद में हमने ट्राई किया कि हम कुन्ना आपको दिखा सके, लेकिन वहाँ पर हमें परमिशन नहीं मिली वीडियो बनाने की, इसलिए फिर हम वहाँ पर वीडियो नहीं बनाई, और हमने फाइनली ये देसी मुर्गा ट्राई करेंगे चलो, और यहाँ से इनकी बीफ फ्राई ट्राई करेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे मुलाकात करनी चाहिए अगली वीडियो के अंदर। दिस इज माय इंस्टाग्राम, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम, आपसे कब से होती है मुलाकात होती है, लाइक करो इंस्टाग्राम के ऊपर, और बहुत कुछ होता है इंस्टाग्राम के ऊपर, स्टोरीज आती हैं, अपडेट आती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, और शॉर्ट वीडियो आती हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। और एक और बात, फलस्तीन में भाई जो चल रहा है उसमें मुसलमानों के लिए दुआ भी करते रहे, अपने तौर पर कनूत नाज़िल का इस्तेमाल भी करते रहे। आपसे मुलाकात करनी चाहिए अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।